सिंह का एक गाना भी धमाल मचा ही रहा है कि दूसरे ने बवाल मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूगो रखले बानी का, कि 8 घंटे हो चुके हैं इस गाने को। अब तक इस गाने को 7 लाख लोगों ने देख लिया है और बहुत सारे लोगों ने लाइक्स भी कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए आप भी ये गाना देखिए SRK म्यूज़िक पर, इनके यूट्यूब चैनल पर। खैर, हम आपको बता दें कि आजकल पवन सिंह के गाने बड़े ही धड़ल्ले से चल रहे हैं। जी हाँ, पवन सिंह का गाना बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है, जैसे टिकटॉक चल रहा है। इस गाने ने 4 दिन में 3.5 मिलियन व्यूज़ बनाया है, यानी कि 4 दिन में इसे 35 लाख लोगों ने देख लिया है। और तो और, इस गाने को लोग पसंद भी कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पे टिकटॉक भी खूब बन रहा है। और तो और, पवन सिंह का दूसरा जो गाना है दूगो रखले बानी भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि आजकल पवन सिंह फ़ोन से रिलेटेड गाने ज़्यादा बना रहे हैं, जैसे कि अक्षरा सिंह बना रही हैं। ठीक उसी तरह, उसी तर्ज पे पवन सिंह भी, क्योंकि आजकल भोरी में इसकी बहार आई है। भाई हेलो कौन तो आपको याद ही होगा, और अक्षरा का कॉल करे क्या, जिसने 1 महीने में 50 मिलियन व्यूज़ हासिल किया है। और तो और, अब पवन सिंह का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जैसे टिकटॉक चल रहा है। ये गाना भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इन दोनों पवन सिंह के एल्बमों की धूम है। हाँ, हम आपको ये कह सकते हैं फिल्म की शूटिंग तो नहीं हो रही है, ऑडियो ही सारे गानों के रिलीज़ किए जा रहे हैं, वीडियो रिलीज़ नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, खेसारी लाल यादव के जितने भी गाने निकल रहे हैं उस पर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? जी हाँ, ट्रेंडिंग स्टार हैं खेसारी लाल यादव, लेकिन उनके गाने इन दिनों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों पे धोखा लग रहा है कि टाइटल नया बदल कर गाने पुराने ही रखे जा रहे हैं, लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हो सकता है इसके वजह से भी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, सभी स्टार्स फिर से अपने अपने काम पर लग जाएंगे और आपको सभी को अच्छे अच्छे गाने जरूर सुनने को मिलेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल